हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिताज किचन में। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, वो है वेज तहरी। तो वेज तहरी की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं वेज तहरी। वेज तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल को हम गरम होने देंगे। हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। हमने 2 तेज़पान लिया हुआ है, 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है, 10-12 काली मिर्च ली हुई है, 2 से 3 हमने लौंग ली हुई है, 1/2 इंच हमने दालचीनी ली हुई है, 1 चक्रफूल लिया है और 2 बड़ी इलायची ली है। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। हम सभी मसाले एक साथ डाल देंगे और मसालों को कुछ सेकेंड तक के लिए हम भून लेंगे। मसाले हो चुके हैं, हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां काट के रखी, इसे ऐड कर लेते हैं और इसको हल्का गुलाबी होने तक के लिए हम भून लेंगे। लहसुन भी गुलाबी हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज काट के रखा है, इसे भी ऐड कर देते हैं और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक के लिए भून लेंगे हम चलाते हुए लगातार। प्याज गुलाबी हो चुके हैं, अब हम इसमें वेजेस ऐड कर देते हैं। हमने 1 बड़ा साइज़ का टमाटर काट के रखा है, इसे ऐड कर दिया है। 1 कटोरी के लगभग हमने गोभी काट के रखी है बड़े साइज में, इसे भी ऐड कर देते हैं। हमने 1 कटोरी मटर लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। हमने 1 गाजर ली है, इसको लंबा लंबा काट लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसे भी ऐड कर देते हैं। इसे भी बड़े बड़े टुकड़े में काट के रखा है हमने। हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। सभी वेजेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 2 मिनट के लिए वेजेस को हमने पका लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम मसालों को वेजेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे मीडियम आंच पे। हम कुकर का ढक्कन को इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके रख लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी को और चला लेंगे हम अच्छे से मसाले में। ये देखिए, मसाले और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हमने 1.5 गिलास बासमती चावल लिए हैं, इसे धोकर रख लिया है, इसे ऐड कर देते हैं हम। चावल को वेजेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये वेज तहरी बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है और कम समय में बहुत ही अच्छे से बन जाती है। ये देखिए, चावल को हमने वेजेस में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चावल के साथ। 2 मिनट के लिए इसे ढक करके पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाले और चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ 1.5 गिलास चावल का यूज़ किया है तो हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास ऐड कर दिया है, ये 1/2 गिलास ऐड कर दिया हमने। अब हम तहरी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से चला लेंगे सभी तरफ से। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें 2 सीटी आने तक के लिए इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, 2 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक के लिए हम वेट करेंगे। ये देखिए, कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब हम ढक्कन खोल करके चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी तहरी बन करके तैयार हुई है। अब हम कुकर के ढक्कन को ऊपर से इसी तरह से रख देंगे, साइड से थोड़ा खुला रखेंगे और हम गरम गरम चावल में चम्मच नहीं लगाएंगे, नहीं तो चावल टूट जाते हैं क्योंकि वो गीले रहते हैं उस समय। ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है, अब हम चावल को सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, तहरी में मिक्स कर लेंगे धनिया को और सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी वेज तहरी बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आने पर मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।